नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन माह में हर शाम एक उपाय ऐसा जिसको करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन माह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा और ध्यान करने से वे बहुत बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को अगौर और सभी देवताओं में सबसे कोमल हृदय माना गया है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किंतु शास्त्रों में शिवजी के आशीर्वाद से कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति हेतु खास उपायों की चर्चा की गई है। श्रावण माह में ये उपाय करने से बहुत जल्द फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं में से एक है भोलेनाथ की कृपा से धन संपत्ति पाने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, कुबेर को धन का स्वामी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, रावण राक्षस होने के बावजूद शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, आप सभी लोग जानते हैं, और उन्हें प्रसन्न कर ही वह इतना अधिक शक्तिशाली हुआ था कि कुबेर की बनाई हुई लंका भी उसने हासिल कर ली। कुबेर ने भी शिवजी को प्रसन्न कर ही धनपाल की पदवी पाई थी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको शिवजी को प्रसन्न कर धन पाने का एक आसान उपाय बताने जा रही हूँ। अगर सावन माह के महीने में प्रतिदिन संध्या काल के दौरान यह उपाय नियमित रूप से किया जाए तो कुबेर की तरह धन का स्वामी बना जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वह उपाय क्या है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति नियमित रूप से संध्या काल में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के पास मिट्टी के दिए में घी का दीपक जलाता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। शिवजी उसकी आर्थिक से लेकर सामाजिक और हर प्रकार की परेशानी दूर करते हैं, लेकिन सावन में जो यह कार्य पूरे महीने करता है उसे बेशुमार संपत्ति मिलती है और कुबेर की तरह अकूत धन का स्वामी बन सकता है। दोस्तों, ऐसा करते हुए एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि शिव मंदिर में प्रवेश करते ही मन में शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और मंदिर में निकलने तक इसका मन में दोहराव करते रहें। इसके अलावा जब भी शिवलिंग पर जल अर्पण करें आप, तब भी आप ओम नमः शिवाय तथा ओम गंगणपतये नाम मंत्र का जाप करते रहें। सायंकाल को प्रदोष काल कहा गया है दोस्तों, क्योंकि शिव को नीलकंठ कहा गया है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव की पूजा और उनका ध्यान करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। 16 प्रकार के विशेष पूजन उपाय से सावन माह में शिव जी को प्रसन्न कर आप भी सभी प्रकार से के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, सावन माह में किसी भी शिव मंदिर जाकर या घर पर ही यह उपाय करें। इसके लिए सर्वप्रथम मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएं, तत्पश्चात 16 दूर्वा, 16 सफ़ेद फूल, 16 प्रकार की या 16 मालाओं के साथ पूरी विधि से इनकी पूजा करें। दोस्तों, ये था एक सावन माह में किए जाने वाला अचूक उपाय जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करती हूँ आपको ये उपाय पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस उपाय को करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।